हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। विशेषकर बिलियर्ड्स से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स फिजिकल एजुकेशन में, चाहे KBS, NBS, LT, UPTGT एंड अदर स्टेट की PGT हो, उसमें बिलियर्ड्स और स्नूकर के कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देखते हुए बनाया गया है। एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन पर सॉल्व कराए गए हैं। एंड दोस्तों, जैसा कि मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ MCQs का, तो चले चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बिलियर्ड्स खेल का जन्म किस देश में हुआ? तो बिलियर्ड्स खेल का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका जन्म हुआ फ्रांस में। किस देश में हुआ? फ्रांस में इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बिलियर्ड्स को किनके द्वारा लाया गया? तो भारत में बिलियर्ड्स को किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि जन्म हुआ फ्रांस में और भारत में लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप बनने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो किस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम विश्व चैंपियनशिप में कीर्तिमान स्थापित किया दोस्तों? तो माइकल फरेरा ने 1977 में। किसने किया? माइकल फरेरा ने। तो माइकल फरेरा का नाम बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स में जिस छड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बिलियर्ड्स में जिस छड़ी का प्रयोग किया जाता है उसको क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। जैसा कि दोस्तों, क्यू शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूजन में हो जाता है कि क्यू शब्द किस खेल से रिलेटेड है। तो वहां पे आपका ऑप्शन दिया रहेगा ब्रिज, बिलियर्ड्स, हॉकी, गोल्फ, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो छड़ी का प्रयोग किया जाता है बाल को धकेलने के लिए, उसको क्यू बोला जाता है, ठीक है। एंड एक होता है कैडी। कैडी जो होता है गोल्फ से रिलेटेड होता है। तो क्यू और कैडी दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो क्यू शब्द है आपका बिलियर्ड्स रिलेटेड, और कैडी शब्द है आपका गोल्फ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियर्ड्स में कितने रंगों की गेंद का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, बिलियर्ड्स में 3 रंगों की गेंद का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से 3 रंग होते हैं? सफेद, लाल, धब्बेदार सफेद। जिसमें से दोस्तों, लाल रंग के गेंद को क्यू गेंद बोला जाता है। जैसा कि बिलियर्ड्स खेल को क्यू स्पोर्ट्स भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यू स्पोर्ट्स किस खेल को बोला जाता है? तो बिलियर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस खेल में प्रहार चुकने पर कितने अंकों का दंड दिया जाता है? तो यदि इस खेल में प्रहार चुक जाएगा तो उसके लिए इसमें 2 अंकों का दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स की गेंद का व्यास कितना होता है? तो बिलियर्ड्स की गेंद का जो व्यास होता है वह कितना होता है? वह होता है 52.5 mm, यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। जैसा कि इसके गेंद का जो भार होता है वह 3 ग्राम होता है। कितना होता है? 3 ग्राम होता है। गेंद का भार कितना होता है? 3 ग्राम। और व्यास 52.2 मीटर या 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स में प्रयोग होने वाली मेज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो बिलियर्ड्स जो होता है एक मेज पर खेला जाता है, तो
तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 3.44 मीटर गुणे 1.50 मीटर, इसकी लंबाई एंड चौड़ाई होती है, यानी कि लंबाई 3.44 मीटर एंड चौड़ाई 1.50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स में प्रयोग होने वाली मेज की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो मेज होता है वह कितना ऊंचा होता है? 1 मीटर। कितना ऊंचा होता है? 1 मीटर ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिलियर्ड्स में किन किन रंगों की गेंदों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? सफेद, धब्बेदार सफेद और लाल रंग के गेंद का प्रयोग किया जाता है। इसमें से लाल रंग के गेंद को क्यू गेंद भी बोला जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछ सकता है कि बिलियर्ड्स में लाल रंग की गेंद को कौन सा गेंद बोला जाता है या किस गेंद को क्यू गेंद बोला जाता है, तो लाल रंग की गेंद, ठीक है। नेक्स्ट है, बिलियर्ड्स में सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को किस सन में दिया गया? तो सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया गीता सेट्ठी को। किसको दिया गया? गीता सेट्ठी को 1992-93 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? जैसा कि हम जानते हैं यह बिलियर्ड्स से संबंधित है क्योंकि हम बिलियर्ड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पार्ट शब्द भी किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये भी रिलेटेड है बिलियर्ड्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स में प्रयोग होने वाली मेज पर कितने पॉकेट होते हैं? तो कितने पॉकेट होते हैं इसमें? 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियर्ड्स का खेल शुरू करने के लिए किस रंग की गेंद स्पॉट पर रखी जाती है? तो बिलियर्ड्स खेल को शुरू करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 3 गेंद होता है, सफेद, लाल और धब्बेदार सफेद, लेकिन इसको खेल को शुरू करने के लिए किस रंग की गेंद को स्पॉट पर रखा जाता है? तो किस रंग की गेंद को रखा जाता है, रखकर शुरू किया जाता है स्पॉट पर? सफेद रंग की गेंद को। किस रंग की गेंद को? सफेद रंग के गेंद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स खेल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन कौन करता है? तो इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन करता है WCBS। कौन करता है? WCBS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WCBS का फुल फॉर्म क्या है? तो WCBS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म WCBS का? वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WCBS की स्थापना कब हुई? तो WCBS की स्थापना हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992 में, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WCBS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेंट मॉरेन लेटम, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1992 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है सेंट मॉर्टेन लेटम, बेल्जियम में। नेक्स्ट है, WCBS के 2015 में अध्यक्ष का नाम क्या है? तो 2015 में थे दोस्तों गॉर्जेन सैंडमन। वर्तमान में इसको सर्च करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा इसको, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट है बिलियर्ड्स की गेंद का वजन कितना होता है? तो बिलियर्ड्स की गेंद का वजन होता है 3 ग्राम। कितना होता है? 3 ग्राम। ठीक है, जैसा कि दोस्तों बिलियर्ड्स के बाद सबसे कम भार वाला होता है तो टेबल टेनिस का गेंद होता है 2.7 ग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिलियर्ड्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि माइकल फरेरा सर्वप्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जो विश्व चैंपियनशिप बनने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं 1977 में। तो इनका नाम प्रसिद्ध है, इनको द बॉम्बे टाइगर के उपनाम से मशहूर है और यह 3 बार गैर पेशेवर विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं। नेक्स्ट है माइकल फेरियस किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो माइकल फेरियस भी जुड़े हैं बिलियर्ड्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1958 में विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो कौन बना है 1958 में विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, भारतीय खिलाड़ी वो भी? तो विल्सन जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों सूची को आपको मिलाना है, इसमें से कौन ऑप्शन सही है आपका? तो एक तरफ है बैडमिंटन एंड तैराकी बिलियर्ड्स लॉन टेनिस। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है, कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपको तो सबको पता होगा कि तैराकी में आरती साहा का नाम आता है। ठीक है, एन मिहिर से का नाम आता है, तो तैराकी में आरती साहा जी हैं। बी का वन हो जाएगा, तो बी का वन हमको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। जैसा कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, तो देखते हैं बैडमिंटन जो है सैयद मोदी, यानी ए का 3 हो जाएगा, एंड बिलियर्ड्स जो है बिलियर्ड्स हो जाएगा सी का 2, सुभाष अग्रवाल। ठीक है, सुभाष अग्रवाल, यानी कि तैराकी हो गया आपका आरती साहा, बैडमिंटन हो गया ए का 3 सैयद मोदी, एंड लॉन टेनिस आपका हो गया पीटर फ्लेमिंग। कौन हो गया? पीटर फ्लेमिंग। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी बैडमिंटन में सैयद मोदी, तैराकी में आरती साहा, बिलियर्ड्स में सुभाष अग्रवाल, लॉन टेनिस में पीटर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है क्यू खेल किस खेल से संबंधित है? तो क्यू खेल है आपका बिलियर्ड्स से, क्यू बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। यह बिलियर्ड्स बाल को ढकेलने में इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी यानी स्टिक होती है। तो दोस्तों ये था बिलियर्ड्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। इतना ही आप अगर 2-3 बार वीडियोज देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।